बच्चों, हम अर्थशास्त्र में कक्षा 11वीं के अंतर्गत परिक्षेपण या अपकिरण के माप के अंतर्गत हम प्रमाप विचलन देख रहे हैं। इसमें जो है हम सतत श्रेणी के अंतर्गत ये गणित को कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सतत श्रेणी के अंतर्गत ये जो है ये गणित दिया हुआ है। इसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 और 70 से 80। फ्रिक्वेंसी जो है 5, 8, 16, 8 और ये 3 जो है ये दिया हुआ है। अब जो मिड वैल्यू हमने आप लोग को बताए थे कि कैसे निकालते हैं, जब ये दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू निकल आता है। तो 10 और 20 के बीच का मिड वैल्यू है 15, इसके बीच का है 25 और 30 और 50 के बीच का जो है वह हमारे पास आ जाएगा 40 और इसके बीच का आ जाएगा 60 और इसके बीच का आ जाएगा 75। इस तरह से हमें क्या हो गया, मध्यमान मालूम हो गया। इसको हम जब टोटल करें तो इसका जो मान है ये हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ एफ गुणा एम, मतलब ये दोनों का गुणा करेंगे तो हमें एफ एम प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 15 × 75 और फिर 25 × 8 = 200, इस तरह से हम आपस में इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये जो संख्याएं हैं ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। फिर हमने ये इस तरह से गुणा किया तो हमें ये संख्या जो है प्राप्त हो गई। इसके बाद जो हम जब डी निकालेंगे तो इसमें क्या है, जब इसको हम क्या किए, यहाँ पर जो है जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये है बराबर सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमने क्या निकाल रहे हैं, वास्तविक माध्य विधि से। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको टोटल करेंगे तो इसका जो है 1620 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1620 बटे 40, तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, 40.5 जो है वह हमें क्या क्या मालूम, माध्य ज्ञात हुआ है। तो माध्य को हम क्या करेंगे, माध्य के इसमें जो प्राप्त हुआ है उसको हम क्या मान लिए, विचलन मान लिए। तो इस तरह से 40 को हमने क्या माना है, विचलन। तो उसके बाद जब 40 को हमने विचलन माना है तो वहाँ से फिर हम उसको माइनस करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2.5, इस तरह से माइनस होते चले जाएंगे। माइनस 15.5, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, यहाँ पर हो जाएगा धन 19.5, यहाँ पर हो जाएगा 34.5, ये भी धन में आएगा। फिर उसके बाद इसको हम जब एफ एफ और डी लिखा हुआ है तो ये जो डी है इसका गुणा हम ये एफ से करेंगे तो हमें एफ डी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एफ गुणा डी बराबर ये हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो 127.5, फिर 124.0, फिर यहाँ पर ऋण 8.0, फिर है धन 156.0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 103.5, ये जो है हमें धन में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हुआ, जब इसको हम धन और ऋण जब करेंगे तो ये हमारा जो है वह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद सातवां जो है वह एफ डी स्क्वायर है। तो एफ डी स्क्वायर में क्या करेंगे, इसी चीज़ का जो है हम जब डबल एफ डी स्क्वायर है, जब इसका और इसका हम जब गुणा करेंगे, इसका और इसका मतलब ये दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें ये इधर की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3251.25, इस तरह से हमने क्या किया, इसके साथ इसका गुणा किया
तो यहाँ पर क्या हो गया, ऋण और ऋण धन हो गया। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1922.0, फिर यहाँ पर 4.0, फिर यहाँ पर जाएगा 3042.00, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 3570.75। इस तरह से हमने जब इसका और इसका गुणा किया तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो गया। जब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11790.00। ये हमें क्या मिल गया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये जो है सिग्मा एफ डी है। इस तरह से ये सिग्मा एफ एम है और ये सिग्मा एफ है, तो इसको हम सिग्मा एफ भी बोलते हैं। तो अब इसमें हम जो है उसका मान रख देंगे। तो सबसे पहले जब हम मान रखेंगे तो हमारा कितना है, 11790/40, तो ये हमारा मान है। जब इसको हम काटेंगे तो हमारी जो संख्या है वह क्या मिल जाएगी हमें, 294.75। ये जो है हमारा ये वर्गमूल में आएगा। कल हमने आप लोग को वर्गमूल निकालना बता दिए थे कि किस तरह से वर्गमूल निकालेंगे, 294.75 है तो इसको हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये आप लोग को हमने बता दिए थे, क्योंकि ये हमेशा जोड़ी में चलते हैं। तो यहाँ पर एक एक हम एक, फिर एक और एक जे जुड़ेगा, इस तरह से ये हम पूरे इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ये जो है ये उत्तर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17.168। इस तरह से जब हम हल करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती जाएंगी। हमने कल हम आप लोग को बताया था पिछली क्लास में कि हम किस तरह से इसको निकालते, इस तरह से ये जो है हम भाग देते चले जाएंगे तो ये हमारा रफ कार्य जो है ये पूरा हो जाएगा, वर्गमूल उसको हम ज्ञात कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट है कल्पित माध्य विधि से हमें क्या निकालना, प्रमाप विचलन या मानक विचलन ज्ञात करना। इसमें भी वैसे ही है, इसको हमने एफ जो है उसको हमने टोटल कर लिया, ये हो गया 40। फिर इसमें भी हमने मिड वैल्यू निकाल लिया, तो इसका है 15, इसका है 25, इसका है 40, 40, 60 और ये 75। इस तरह से ही हो गया। अब इसमें जो है हमने माध्यमान किसको माना है, ये 40 को माना है, कल्पित माध्य किसको माना है, 40 को, तो 40 के सामने ये शून्य आ जाएगा। फिर जब 40 से हम वो सब चीज़ें घटाते चले जाएंगे हमें क्या हो जाएगा, -25, यहाँ पर -15, ये तो हमने जीरो पहले ही से लिख दिया है। फिर उसके बाद फिर जब इससे हम उसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +20 और यहाँ पर +35, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको जो है हम और यदि वो करेंगे तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एफ डी, तो एफ गुणा डी जिस तरह से हमने पिछले उसमें बताया, जब ये दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। तो हम इसको जब गुणा करेंगे तो उसके बाद ही हो जाएगा, जब हम 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 पंजे 125, क्योंकि ये ऋण में है इसलिए पूरा ऋण में ही जाएगा। इस तरह से 120, शून्य का शून्य हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसका इसका करेंगे तो 160, फिर 35 और 3 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 105। इस तरह से हमें ये संख्या प्राप्त हुई। जब हम इसको और इसको टोटल करेंगे, इसको और इसको टोटल करेंगे और उसके बाद जब घटाएंगे तो हमें जो यहाँ पर जो है जो बड़ी संख्या होगी उसका हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि दोनों को जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है एफ डी स्क्वायर। जब एफ डी स्क्वायर है तो इसमें क्या है, डी स्क्वायर है, इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, इसमें एफ डी में गुणा डी का वो करेंगे तो हमें एफ डी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जब ऋण और ऋण रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 1, 2, 5, फिर इसमें यहाँ पर हो जाएगा 1800। ये कैसे आया, जब हमने 125 गुणा 25 किया
तो ये जो संख्या है ये हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से सारे उसमें हम करेंगे तो यहाँ पर शून्य का शून्य हो गया, फिर यहाँ पर 3200 हो गया, फिर यहाँ पर 3675 हो गया। इस तरह से इसका हम जब टोटल करेंगे तो 11800 हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि जो हम उत्तर करते चले जाएंगे वह प्राय प्राय आप देखेंगे कि जो उत्तर जो है वह पिछला हमने देखे चाहे कल्पित माध्य से निकालो चाहे माध्य से निकालो, हमारा जो उत्तर है वह प्राय प्राय एक सा ही आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, हमारे पास 11800 दिया हुआ है, इसके बटे एन या सिग्मा एफ जो है वह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है 40। ये पूरा जो है अंडर रूट के अंदर रहता है। फिर यहाँ सिग्मा एफ डी जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20। सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है, 40। तो ये भी कोष्ठक के अंदर है, इसका स्क्वायर ही है। फिर जब इसको हल करेंगे तो उसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जब क्योंकि ये इससे ये कटा इससे ये कटा, इसके बाद ये जो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वह यहाँ पर जो है 5.5 करके आएगा उत्तर, यहाँ पर ये आएगा क्योंकि 2 बचा है तो 0.5 आकर हम जब 0 लगाएंगे तो 4×5=20 हो जाएगा। उसी तरह से इससे कटेगा 4 से, तो ये जो संख्या कटेगी 4×2=8, 4×4=16 और इस तरह से ये जो संख्या जब कटती चली जाएगी तो ये हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 295-0.25। ये भी क्या है, वर्गमूल के अंतर्गत है। जब हम उसको घटाएंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 294.75। ये हमें क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर हमने आप लोगों को वर्गमूल निकालना भी बता दिया है कैसे निकालना है, 294.75 का जब करोगे तो वो वैसे ही निकालना है। ये इस तरह से ज्यादा जाएगा, ये प्लस होता चला जाएगा, ये हमारा रफ्तार है। इसको आप लोग जब करेंगे तो पिछले का उसमें हमने बता दिया, आप उसको देखेंगे तो उस वैसे ही समझ में आएगा। जब हम वर्गमूल निकालेंगे इसका तो 17.6168। ये जो आप उत्तर देखेंगे ये हम माध्य से निकाल रहे हैं या माध्य विचलन से निकाल रहे हैं तो भी हमारा ये जो आंसर है ये एक सा ही आ रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि पद विचलन विधि से हम कैसे, मतलब पद विचलन विधि में क्या होता है, गणित जो है हमारा और भी छोटा हो जाता है। इसमें भी वैसे ही मिड वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका 10 और 20 के बीच का है 15 और इसके बीच का है 25, इसके बीच का है 40, इसके बीच का है 60 और इसके बीच का है 75। ये जो टोटल है हमें ये 40 ही प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद है जब हम यहाँ पर देखेंगे तो जब डी निकालेंगे तो उसमें भी वही चीज़ है जिसमें कि -25-15, फिर यहाँ पर 0+20, यहाँ पर +35। यहाँ पर हमने क्या माना है, ए 40 को माना है, तो इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद सी या फिर आई जो है वह हमने किसे माना है, तो यहाँ पर सी या आई जो है वह हमने 5 को मान लिया है, यहाँ पर हमने लिया है 5। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, गणित जो है हमारा और भी छोटा हो जाएगा। जब 5 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5×25, यहाँ पर हो जाएगा कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 5×3=15, फिर ये हो गया 0, फिर यहाँ पर 5×4=20, यहाँ पर हो जाएगा 5×7=35। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, पद विचलन विधि से जब करेंगे तो वो गणित हमारा जो है और भी छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे F×D, तो कौन सा वाला होगा, ये और ये होगा, तो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5×25, फिर 8×3=24, फिर ये 0 का 0 हो जाएगा, फिर 8×4=32 और 7×3=21। ये नीचे वाले क्या है, ये प्लस में है, तो आप लोग चिन्ह का बहुत ध्यान
रखिएगा। जब इसमें हम ये प्लस और माइनस को जोड़ेंगे और उसके बाद जब हम घटाएंगे तो इसमें प्लस 4 आएगा, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है इसीलिए वह आ जाएगा। फिर उसके बाद है एफ डी स्क्वायर, उसमें क्या करेंगे एफ डी गुना डी, जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर जो है वह प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 25 और इसका करेंगे 25 पंजे 125, फिर 3 का 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा शून्य क्योंकि शून्य इसका शून्य हो जाएगा, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे तो 128 और फिर 21 का 7 से गुणा करेंगे तो 147। इसमें हमने क्या किया है 25 गुणा ऋण 5 जो है इसका गुणा किए तो हमें ये प्राप्त हुआ। इसी तरह से ये सारी संख्याएं जो हैं यहाँ पर ये क्या है ये जो है ये एफ डी जो प्राप्त हुआ है इसमें जो ये है ये डी है और ये इस तरह से ये दोनों का हमने जब गुणा किया तो ये हमें ये 125 की संख्या जो है वह प्राप्त हो गई। इसके बाद जब हम इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 472। जब हमें ये संख्या जब प्राप्त हुई हम क्या करेंगे उसको फिर ये जो हमने सूत्र लिखा हुआ है उसमें ये सारी संख्याओं को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ डी स्क्वायर कितना दिया है 472 बटे एफ कितना है सिग्मा एफ ये है 40, फिर यहाँ हो गया ऋण, फिर एफ डी कितना हुआ है प्लस 4 है तो यहाँ पर हम 4 बार लिखेंगे यहाँ पर ये हो गया 40, फिर गुणा 5 हमने जो आपको बताया कि आई ये हमने दिया हुआ है ये सी भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं जब उसका हम मानते हैं। तो जब इस तरह से हम करेंगे तो ये सारा किस में है ये अंडर रूट के अंतर्गत है, ये सिर्फ गुणा 5 जो है वह बाहर है। जब हम इसका गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे तो उसमें जो है हमें क्या मिलेगा आगे जब हम प्राप्त होगा तो 11.8 ऋण 0.1। अब ये कैसे आ गया जब हम 472 जो है उसमें 40 से काटेंगे तो 11.8 प्राप्त हुआ। ये सारी चीज़ें क्या है ये वर्गमूल के अंतर्गत, यहाँ पर भी 40 इसमें नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ 40 बटे जब 40 है तो यहाँ पर हम दशमलव लगाए यहाँ पर शून्य लगाए तो 40, ये इस तरह से तो हमारी ये क्या मिल गई 0.1 और ये बाहर जो है गुणा 5 मिल गया। फिर उसके बाद जब हम इससे इसको घटाएंगे तो इसको घटाने के बाद हमें संख्या क्या प्राप्त हुई इसको जब हम घटाए तो 11.79 ये हमें प्राप्त हुआ और इसमें गुणा 5 ये आया। फिर इस तरह से जब हम इसका वर्गमूल लेंगे वर्गमूल निकालना आप लोग को हमने बता चुके हैं, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 17.68 ये कैसे आया इसका पहले वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकालने के बाद ये जो संख्या आई तो हमने उसको गुणा कर दिया, गुणा करने पर हमें इस वर्गमूल से इसका गुणा कर दिया तो हमें ये जो है ये आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से ये जो गणित है आप बार बार देखेंगे बार बार करेंगे तो ये जो है हमारा ये पूरा क्या है रफ कार्य है ये। तो जब आप बार बार गणित देखेंगे बार बार करेंगे तो आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। उसके बाद ये आप लोग के लिए गृह कार्य है जिसमें कि आप लोग को कॉपी में करना है। गणित में जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे तभी आप लोग को ये समझ में आएगा और ये उत्तर भी दिए हुए हैं कि उत्तर कितना कितना आएगा तो आप लोग करने के बाद उत्तर भी चेक कर सकते हैं।